तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। आज के समय में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। लोगों के लिए इस महंगाई से लड़ना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन इस महंगाई से बचने के लिए या कह सकते हो इससे लड़ने के लिए डी परिवार एक अच्छा विकल्प है। कैसे, आइए देखिए रिपोर्ट। इस महंगाई के दौर में डी परिवार महंगाई से लड़ने में लोगों की सहायता करता है। इसी को लेकर दिल्ली के मायापुरी में स्थित साकी रेस्टोरेंट एंड बार में डी परिवार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान बॉलीवुड अभिनेता अमन वर्मा ने प्रसिद्ध अतिथि के रूप में इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। साथ ही डी परिवार GM डॉक्टर सुरेखा सोनी, डायरेक्टर शशि बाला, FFW सुपरस्टार रेसलर प्रिंस अदवंशी सहित कई अतिथि मौजूद रहे। डी परिवार द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता का मकसद लोगों को डी परिवार के बारे में और कंपनी की नीति के बारे में लोगों को जागरूक करना है। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता अमन वर्मा ने कहा कि लोग मात्र 100 रुपए के शुल्क से डी परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। डी परिवार की सहायता से जनता महंगाई से लड़ सकती है। डी परिवार के MD और CEO दिनेश दहिया ने बताया कि डी परिवार द्वारा किसी भी प्रकार का सेवा और उत्पाद बिकने पर डी परिवार कंपनी को होने वाले मुनाफे में से डी परिवार के सदस्य के बैंक खाते में 98.6% पैसे वापस डाल जाते हैं। डी परिवार के MD और CEO दिनेश दहिया ने बताया कि डी परिवार द्वारा किसी भी प्रकार का सेवा और उत्पाद बिकने पर डी परिवार कंपनी को होने वाले मुनाफे में से डी परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में 98.6% पैसे वापस डाल देते हैं। GM डॉक्टर सुरेखा सोनी के अनुसार परिवार के कमाने वाले सदस्य की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो पूरे देश में डी परिवार के हर उम्र का सदस्य अपनी आय का 10% डी परिवार को देता है, जिसमें 1 से 10 लाख रुपए उस परिवार को सहयोगी राशि के रूप में देते हैं। डायरेक्टर शशि बाला ने बताया कि डी परिवार का ब्रांच लेने के लिए www.dpbazaar.com वेबसाइट पर ब्रांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आपने बोला कि हम कहाँ पर जाएंगे एज ए कस्टमर, तो कस्टमर जो होगा वो पिन कोड पे जाएगा। पिन कोड पे पर्टिकुलर ऑफिस होगा, क्योंकि ऑफिस जहाँ पर होता है कस्टमर वहीं जाता है। तो हमारे डी परिवार के जो भी कार्ड होंगे पिन कोड के अकॉर्डिंग पिन कोड ऑफिस में अवेलेबल होगा। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कुरियर की फैसिलिटी आप जा रहे हैं वो आप पिन कोड के जो सब ब्रांच लीडर होंगे उनसे डायरेक्ट आप जो भी आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए या जो भी आपकी क्वेरीज है वो कर सकते हैं, राइट? उसके बाद अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है हमारे कस्टमर को कि वो पिन कोड के सब ब्रांच लीडर से खुश नहीं है या कुछ उन्हें अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है, तो उसकी कंप्लेन के लिए हमने एक नंबर दिया है, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकता है या फिर सब ब्रांच के थ्रू वो ब्रांच लीडर के पास जाएगा और ब्रांच लीडर वो कंप्लेन सुपर ब्रांच के पास करेगा। तो ऐसे करके पूरी हमारी जो एक चेन टाइप की MLM नहीं है ये, क्योंकि MLM में हमने कोई प्रोडक्ट डिसाइड नहीं किया है। हमारे जो खुद के प्रोडक्ट होंगे वो तो वैसे भी इतने डिस्काउंटेबल होंगे कि हर कोई उसको लेना चाहेगा, बट अलग से जो हमने डिस्काउंट फैसिलिटी दी है वो इतनी अच्छी है कि मेरे ख्याल से एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो ना करेगा। 100 रुपीज़ के कार्ड से लाइफ टाइम मेंबरशिप, दैट इज वेरी गुड प्लस फॉर ऑल ऑफ अस। डी परिवार को बताइए कि डी परिवार क्या है। डी परिवार एक समाज सेवा संस्था है जो आज के दिन बड़े होकर कंपनी बनती है। पता नहीं ये डी परिवार महंगाई से लड़ने के लिए मुहिम और इसमें हम टाई अप करते हैं दुकानदारों से, जितना कम रेट हम दे सकते हैं इतना कम रेट कोई दे।
कुछ खास बातें सर बताइए कि कितना जरूरी है ये और क्यों इसको लोग पसंद करें। डी परिवार इसलिए जरूरी है सर क्योंकि डी परिवार को ज्वाइन करने से एक तो आपको प्रोडक्ट सबसे कम रेट पे मिल जाएगा, दूसरा जो हमारे बच्चे का भविष्य है, हमारे बच्चे के अकाउंट में हर महीने पैसा जुड़ता रहेगा जो एक मिडिल फैमिली का आज के दिन नहीं जोड़ पाता क्योंकि उसकी एजुकेशन पे खर्चा इतना हो जाता है कि हम नहीं जोड़ पाते उसको, तो ऑटोमेटिक जुड़ता रहेगा। जैसे हमारी सरकार ने सुकन्या योजना प्लान चलाए हैं तो इसी तरीके का ये भी है, इसमें हर महीने आप उनकी शॉपिंग का पैसा जुड़ता रहेगा बच्चों के अकाउंट में। मेंबरशिप की बात है, क्या मेंबरशिप है, कितने की मेंबरशिप है सर? इसमें मात्र 100 रुपये की मेंबरशिप है। एक कार्ड बनाते हैं ATM जैसा हमारा कार्ड बनता है, उसमें 100 रुपये में लाइफ टाइम आप मार्केट से कम रेट में सामान ले सकते हैं। इंडिया में इसके अगर हम दिल्ली में मान के चले तो दिल्ली में इसके 1200। भाई मेन मुद्दा और जो मेन बात इन्होंने कही है कि कोई भी इंसान कोई चीज़ खरीदने कहीं पे जाता है तो आप उसी दुकान पे जाएंगे या उसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे दाम सबसे कम है। किसी भी चीज़ को मैं एक्स्ट्रा पैसे देके क्यों खरीदना चाहता हूँ? डी परिवार एक ऐसा एसोसिएशन यानी कंपनी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कम से कम दाम में वो प्रोडक्ट आपको मिले और वो कम से कम दाम डी परिवार का जो पोर्टल है उसके थ्रू या उसकी दुकानों के थ्रू ही आपको मिले। और ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उससे नीचे जो प्राइस होगा वो कहीं पर नहीं होगा, और कोई अगर कहता भी कि उससे मैं कम प्राइस में या कम दाम में मैं आपको चीज़ दे सकता हूँ तो वो झूठ बोलूँगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। और उसके बाद जो सबसे कमाल की बात यह है कि जो प्रॉफिट बन रहा है कम दाम जिसमें चीज़ बिकी है, जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी डी परिवार अपने पास नहीं रखने वाला। जैसे उन्होंने बोला था तकरीबन 98.6% जो प्रॉफिट होगा वो वापस लोगों में बांट दिया जाएगा जिन्होंने चीज़ें ली हैं। और सबसे कमाल की बात ये है कि जैसे उन्होंने कहा कि जो मध्यम वर्ग के जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए जब आपकी फैमिली चल रही होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होते हैं, पैसे नहीं होते हैं, खर्चा निकालना मुश्किल होता है, तो जिस दिन से आप डी परिवार से जुड़ते हैं उसी दिन से आपके बच्चे के नाम का एक अकाउंट हम खोल देते हैं। और जैसे जैसे आप चीज़ें खरीदेंगे वो 98.6% जो भी है वो आपके अकाउंट में धीरे धीरे वापस जाता रहेगा, बशर्ते कि बच्चा जब 18 साल का होगा तो वो बच्चा इसे इस्तेमाल कर सकता है। बट अगर किसी तरह की इमरजेंसी आती है तो उस इमरजेंसी में आपको डिफाइन करना होगा, बताना होगा और उस पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों फायदे हैं, जो भी चीज़ है वो कम दाम में मिल रही है और वही पैसा आपको वापस मिल भी रहा है आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए। वैसे तो देखा जाए तो ये कंपनी 8 साल की मशक्कत का परिणाम है, बिकॉज ऑफ हमारे जो सर हैं उन्होंने सारी कंपनीज का जो एनालिसिस किया, काफ़ी लोग एफर्ट के बाद इसको तैयार किया है। बट ये कंपनी जो ऐसे लीगल प्रोसेस से स्टार्ट हुई है 1 ईयर इसको। कितने मेंबर्स जुड़ चुके हैं इसके साथ? इसमें मेंबर्स काफ़ी सारे हैं बिकॉज ऑफ हमारी टीम इतनी बड़ी है, मार्केटिंग फील्ड अलग है, काफ़ी सारे फील्ड से एरियाज अलग अलग हैं, तो हम इसे हजारों के मेंबर्स में ले सकते हैं क्योंकि कंफर्टेबल नहीं है, जुड़ती जा रही है। हमारा जो डी परिवार है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा खुद का ओनरशिप भी है कि मैं किसी इतने बड़े सोशल प्रोजेक्ट से जुड़ा जिसमें इतना बेनिफिट हो कि मैं एक पीपल का नहीं पूरे इंडिया का हेल्प करना चाहती हूँ इनडायरेक्टली। बिकॉज ऑफ इसका जो ड्रीम है, जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स है हमारे सामने, फर्स्टली डियरनेस, महंगाई जो बढ़ रही है, सेकंड इनकम इंक्रीज, हर इंसान चाहता है अपनी इनकम इंक्रीज करें, थर्ड इज चाइल्ड वेलफेयर कि बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो, एंड फोर्थ इज परिवार की सुरक्षा, फैमिली सेफ्टी। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स इतने बढ़िया हैं कि मेरे ख्याल से बड़े से बड़े सोशल प्रोजेक्ट में भी ये सारे प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन के लिए नहीं आए। सर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है हम अकेले नहीं चला सकते, उसके लिए हमें छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ेगा। उसके लिए हमने 3 हिस्से दिए हैं जिसमें सुपर ब्रांच, ब्रांच और सब
ताकि हम अच्छे तरीके से सुविधाएँ हमारे पूरे देश के किसान साथ उसमें जो भी हमने यही प्रोजेक्ट बनाया कि किसान भी चाहते हैं कि वो सब्जियों में उनमें लहर ना हो, उनकी मजबूरी है क्योंकि वो ज़्यादा रेट में बेच नहीं सकते, उनको बहुत कम रेट मिलता है। पता कैसे किया जाएगा? सर हम कोर्ट से एग्रीमेंट करते हैं और जो भी उसकी पहली फसल है उसको हम टेस्ट करा देते हैं। सर वेबसाइट के थ्रू पूरी जानकारी मिलेगी, आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं dpbazaar.com, आपको हर चीज़ की जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही साथ हमारे साथ कौन जुड़ता है, कितने सदस्य हैं, मैं प्रोग्राम के बारे में यही कहूँगा कि एक मुहिम है जहाँ पे लोगों के साथ जुड़ने का हमारा एक इरादा है और हम चाहते हैं कि एक ऐसा परिवार हम बनाए जिसपे हम एक दूसरे की मदद करें। तो जितनी भी स्कीम्स हम लाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें यही है, हर आदमी अपने बारे में तो सोचता ही है लेकिन हम हमारा जितना बड़ा परिवार होगा उन सब के बारे में हम सोचने की एक तरह से कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से कब से लॉन्च होगा? आई थिंक ये ऑलरेडी चालू हो चुका है, वेबसाइट पे एक एक चीज़ इसके बारे में क्लियरली मेंशन है, सब कुछ बताया गया है कि कितने लोग हैं, इसका हिस्सा अगर आप बनना चाहते हैं वो भी एक्सप्लेन किया गया है, हिस्सा बनने के लिए आपको कितना पेमेंट देना होगा। आई थिंक मात्र जहाँ तक मैं जाता हूँ 100 रुपये है, उसमें आप निधि परिवार का हिस्सा बन सकते हैं और फिर जैसे जैसे अगर आपको और आगे बढ़ना है, अगर आपको एरिया वाइज चाहिए या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चाहिए या स्टेट लेवल पे चाहिए, वो पेमेंट के हिसाब से आप निधि परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। अजय अमन सर क्या सिर्फ सेलिब्रिटी के तौर पे यहाँ पे आए हैं या इस परिवार से जुड़े? मैंने जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा इंटरव्यू शुरू होने से पहले कि कुछ महीनों से मैं इन्हें जानता हूँ, तो एक दो बार इन्होंने मेंशन किया था तो मुझे लगा नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला है, तो पहली बार तो मैंने मजाक में उड़ा दिया, फिर दूसरी बार मिले तो फिर उन्होंने फिर मेंशन किया तो मैंने समझने की कोशिश की, फिर जब तीसरी बार मिले तब मुझे लगा कि इन्होंने मुझे बताया कि 8 साल से ये इसके बारे में सोच रहे हैं, 8 साल से इनके दिमाग में है कि ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर बनाया जाए जिसमें लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए, अपना विकास तो होगा लेकिन साथ में लोगों का विकास होगा, नगर का विकास होगा, शहर का होगा, पूरे प्रांत का होगा, पूरे देश का। तो ये जो सोच है बहुत कम लोगों में होती है, पर जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैंने मतलब धीरे धीरे जब मैं इनसे बात करता हूँ तो ये नए नए आइडियाज़ निकाल के लाते हैं, तो मुझे भी लगता है कि यार इस आइडिया में तो थोड़े बहुत पैसे हम भी कमा लेंगे, लोगों की मदद भी कर लेंगे और लोग साथ में जुड़ भी जाएंगे। सो धीरे धीरे मैं इन्हें जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा ये मानना है कि ये उतना ज़्यादा बोलते नहीं है लेकिन इनका दिमाग आगे जाके बहुत ज़्यादा बोलते हैं। सर पब्लिक से क्या कहेंगे सर, इसको लेना चाहिए, इसमें शामिल होनी चाहिए? पब्लिक से मैं यही कहूँगा कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि हर चीज़ की क्लैरिटी इंटरनेट पे आपको इस कंपनी के बारे में मिलेगी, कोई भी चीज़ हम यहाँ छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके पास है, कैसा है, कितना आपने पे किया है, उसमें आपको परसेंटेज कितना कम मिला है, वापस आपके परिवार के पास कितना जाएगा, तो एक एक चीज़ क्लियरली आपके सामने रख दी जाएगी और हर एक आदमी इसे इसमें जाके उसे देख सकता है। तो हम कुछ भी छिपा नहीं रहे हैं और छिपाने वाली कोई चीज़ है भी नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं विकास हो तो सबका एक साथ। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें A1 न्यूज़ टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।